हेलो दोस्तों, नमस्ते। पूनम सरस्वती 24 में आपका स्वागत है। चलिए आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही खस्ता और बहुत ही टेस्टी प्याज का पराठा। चलिए शुरू करते हैं बनाना। प्याज का पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 2 कटोरी गेहूं का आटा। इसके बाद हमें चाहिए प्याज, 2 बड़े साइज़ का प्याज हम काट लिए हैं, तो महीन चॉप्ड कर लिए, चॉपर में भी आप काट सकते हैं। उसके बाद हमें चाहिए 2-3 हरी मिर्च, तीखा अपने स्वादानुसार लेंगे, उसको भी हम महीन काट लिए हैं, चॉप कर लिए हैं। थोड़ा सा धनिया पत्ता हरा। उसके बाद हमें चाहिए थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल मोइन के लिए, थोड़ा सा 1 इंच से भी, 1/2 इंच से भी कम टुकड़ा अदरक का, जिसको भी हम ग्रेट कर लिए हैं। जवाइन भी क्रश कर लिए हैं। थोड़ा सा मंगरेला चाहिए, उसको क्रश कर लिए हैं। थोड़ा सा नमक चाहिए। अब हम इसमें इन सभी चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे, मिला देंगे। इसके बाद अदरक, अजवाइन, मंगरेल और नमक इन्हें भी हम मिला देंगे। ऑयल भी डाल देंगे। अब इन सभी चीज़ों को हम आटा में मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। अब इनमें हम थोड़ा पानी डाल के एक डो तैयार कर लेंगे। बहुत हार्ड नहीं करना है, बहुत सॉफ्ट भी नहीं करना है, क्योंकि इसमें प्याज है तो प्याज का नेचुरल पानी भी निकलता है, इसलिए बहुत जल्दी नरम हो जाएगा आटा। इसलिए हम लोग नॉर्मल एक डो तैयार करेंगे, जिस तरह का रोटी तैयार करते हैं हम लोग। देखिए इस तरह से हम लोग डो मिक्स कर लेंगे और ज़रूरत के अनुसार हम लोग इसमें पानी डालेंगे। जैसे हल्का सा पानी लगेगा, थोड़ा सा इस तरह से ज़रूरत के अनुसार पानी डाल के इसका हम डो तैयार करेंगे। इस तरह से देखिए, ये गेहूँ काटा है तो इसको इस तरह से भी हम करेंगे ताकि हमारा पराठा फूले। देखिए डो हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। इसको हम लोग 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि रेस्ट कर ले। इसके बाद हम लोग इसका पराठा बनाएंगे। देखिए अब हम इसमें से लोई तोड़ेंगे, इस तरह का थोड़ा बड़ा ही तोड़ेंगे, इस तरह से गोल कर लेंगे। अगर हाथ में चिपके तो थोड़ा सा तेल लगा लीजिए हाथ में ताकि चिपके नहीं। तेल लगा लीजिए या फिर सूखे आटे के हेल्प से इसका लोई हम बना लेंगे। देखिए बिल्कुल चिकना हो गया। अब इसको इस तरह से सूखे आटे के हेल्प से हम लोग इसका पराठा तैयार करेंगे। इस तरह से हम इसको बेलेंगे। थोड़ा थोड़ा सूखा आटा भी लगाएंगे। देखिए गैस ऑन कर दिए हैं, तवा चढ़ा दिए हैं। मेरा लोहा का तवा है, आप कोई भी पैन यूज़ कर सकते हैं। अब हम तवा को चिकना कर देंगे थोड़ा सा ऑयल लगा करके, ताकि हमारा पराठा चिपके नहीं। इसको इस तरह से चम्मच की हेल्प से या ब्रश की हेल्प से इसको फैला दीजिए। इसका फ्लेम हाई रखेंगे अभी हम, ताकि अच्छे से हमारा पैन गर्म हो जाए। तवा गर्म हो गया हमारा। अब हम इस पर पराठा डाल देते हैं इस तरह से। देखिए नीचे से सिकने लगा है अच्छे से। 1 या 2 मिनट के बाद हम लोग इसको देखें, कलर चेंज हो गया है तो हम लोग इसको पलट देंगे। देखिए हल्का हल्का चित्ती लग गया है, इस स्टेज पे हम लोग इसको पलटेंगे। अब हम लोग इस पर थोड़ा थोड़ा रिफाइंड लगा देंगे ऑयल। घी में भी बना सकते हैं, कोई भी कुकिंग ऑयल में बना सकते हैं। इस तरह से हम लोग लगा लेंगे। मीडियम कर देंगे गैस का फ्लेम ताकि अच्छे से पके। इसको भी फैला लेंगे। ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट कलर आ जाएगा, गोल्डन कलर। तब हम लोग इसको पलट देंगे, निकाल देंगे। हम लोग इसको निकाल देंगे इस तरह से। इसी तरह से हम लोग दूसरा पराठा भी डाल देंगे। इस तरह से सारे पराठे हम लोग बना लेंगे।
तवा हो या पैन हो, इस पर ऑयल अच्छे से लगा रहता है, इसलिए हम लोग ऑयल का यूज़ कम करेंगे, क्योंकि अब कोई भी पराठा चिपकने का तो सवाल ही नहीं है, इसलिए हम लोग कम तेल का यूज़ करेंगे। देखिए इस तरह से हमारा ये पराठा भी अच्छी तरह से सीख चुका है, बहुत ही अच्छा कलर है। तब हम लोग इसको भी निकाल देंगे। देखिए सारे पराठे हमारे बनके तैयार हो गए हैं। इस तरह से बनाइए, बहुत ही अच्छा का पराठा बनेगा। प्याज का पराठा बहुत ही अच्छा बनता है, बहुत ही स्पाइसी और बहुत ही स्वादिष्ट है ये पराठा। इसको किसी भी चटनी या सॉस के साथ खाइए, ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अगर हमारा ये रेसिपी आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करके बताइए कि हमारा रेसिपी आपको कैसा लगा। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।